नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब हमारा तैयारी लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना टाइम कितना सुबह से उठते हैं। अभी सिर्फ 4 बजा है, अभी बहुत सुबह से हम लोग उठते हैं, तब जाके अपना दुकान का सामान बना पाते हैं। और देखिए अब लोग देख सकते हैं बाहर अंधेरा डला है, पूरा पूरा अंधेरा है बाहर में। और हम लोग बहुत सुबह से उठ जाते हैं जब हमारा सामान बन के तैयार हो पाता है। आप लोग देख सकते हैं कैसे मोमोज बनाया जाता है। लोग आटा पूरा लग के पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका मसाले के लिए छोटा महीन पत्ता गोभी, देखिए ऐसे ही आपको काटना है। यह शिमला मिर्च छोटा छोटा टुकड़े में काटना है। और ये है गाजर, इसको भी महीन काटना है आपको। थोड़ा सा प्याज भी काट लेना है, हरी मिर्ची चाट हो। और है ये सोयाबीन, ये आप अब इसमें डालेंगे, आप देखते रहिए। हमने डाला है प्याज थोड़ा, अब ऐड करेंगे इसमें गाजर, अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अब इसमें ये अच्छे से डाल देंगे सोयाबीन। इसको करना है मिक्स। अब आपको दिखाएंगे मसाले, हमने डाला है प्याज थोड़ा, अब ऐड करेंगे इसमें गाजर, अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अब इसमें ये अच्छे से डाल देंगे सोयाबीन। इसको करना है मिक्स। अब आपको दिखाएंगे मसाले। 2 चम्मच लिया है अजीनोमोटो, ये देख अजीनोमोटो। इसमें डालेंगे मैगी मसाला, यह है ज्योति टेस्टी नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्टी नमक, इससे अच्छा बेहतरीन टेस्ट आता है, मेरा मोमोस एक नंबर टेस्टी रहता है। स्वाद अनुसार मेन बात, इसमें नमक भी स्वाद अनुसार ऐड करना है। यह है नमक, साल्ट। अब इसमें मिर्ची भी ऐड करना है स्वाद अनुसार। अब ये है मेरा मिक्स मसाले, इसको हम ऐड करेंगे। मार्केट में मिलता है चिकन मीट सब मसाला, अब इसको हम अच्छे से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला रेडी हो चुका है, अब हम आपको फ्राई करेंगे और मोमोज बनाना सिखाएंगे। इसको कैसे भरते हैं और इसको कैसे ऐड करते हैं, इसको कैसे स्टीम करते हैं, और कैसे इसे बहुत सारा मोमोस कैसे निकालते हैं और कैसे रखते हैं, आप देखते रहिए। आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका लोई कट रहा है, इतना मैदा का बना रहे हैं हम लोग मोमोज। आप
आप लोग, ऐसा ही काटना है, इतना छोटा छोटा काटना है, ये देखो इतना छोटा छोटा काटना है, फर्स्ट क्लास, इतना अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसे बस देखते रहिए कैसे बनाते हैं। इसमें ऐसे ऐड करना है आपको सादा नंबर, ऐसे लिया इन इन ऐसे ऐसे करके और ऐसे दबा देना, ये बन गया होगा, बस साधन सिंपल है, आप जान सकते, नकल करोगे पढ़ेगी अकल। अब मैं आपको, ये मेरा कुछ मोमोस रेडी हो गया है, अभी बनने में बहुत टाइम लगेगा और इसको हम स्टीम करके दिखाएंगे आपको, स्टीम करके रखें। ये रहे मेरे स्टीमर के दो सांचे, अभी मैं दो ही करके दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखना कैसे करते हैं, रेसिपी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको इसमें भरने के बाद लोग स्टीम कर देते हैं, फिर निकालते हैं तो मोमोस ख़राब हो जाता है, क्योंकि निकालते समय वो फट जाता है। आप देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ। ये रहा मेरा आयल का डब्बा, सोयाबीन आयल है, और ये बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, मैं अच्छा ही यूज करता हूँ, जिसको हम इसमें ऐसे थोड़ा ऐसे लगा दें, ताकि हमारा मोमोस है जो इसमें बिल्कुल चिपकेगा नहीं, चिपकने से क्या है कि अपन निकालते हैं तो वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर तो उसको फेंकना पड़ता है, इसलिए इसमें भी थोड़ा तेल लगाएंगे, ऐसे लेंगे इसको, इसको मैं कन्वर्ट करें, ओवर हो गया है, उसी हिसाब से डालेंगे जितना ज़रूरत है। इस स्टीमर का जो सांचा है उसमें पानी भरना है, नीचे वाले में आधा भरना है, उसको वो खोलने देना, वो उबलने लगता है, खोलने लगता है, फिर हम इनको रख देंगे। ये देखिए मेरा इसमें पानी रखा है, ये खोल चुका है, हम इस पर इसको रखेंगे स्टीमर को और इसको ऐसे ढक देंगे, इसमें देखिए मेरा मोमोस, देखिए कितना सॉफ्ट मोमोस है, इसको यूँ खाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा मोमोस है, सॉफ्ट मोमोस, देखिए है कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा मोमोस निकल रहा है, देखो